इधर तो देखो इतना दौड़ते जा रहे हो, केक बाबा को देने दे के आओ। मेरा मेकअप कर रहे हो? क्यों मम्मा आपको सुंदर नहीं दिख रही है? दुल्हन बनाओगे? हाँ, मैं आपको दुल्हन बनाऊंगी। हाँ। तो फिर दूल्हा लाना पड़ेगा। नहीं, आप मैं आपको दे दूंगी। हाँ, दूल्हा कौन बनेगा? आई मैंने आई बंद। अच्छा, आईस बंद कर ली है। दूल्हा कौन बनेगा? आप। मैं तो दुल्हन हूँ ना, दूल्हा कौन बनेगा? दूल्हा चाचू। कौन से चाचू? पापा। पापा मेरे, आपके बड़े पापा मेरे। हाँ, गुड। जो बड़े पापा हैं है ना, वो दूल्हा बनेंगे और मम्मा दुल्हन बनेंगे। फिर हम शादी करेंगे। हाँ। और धनवी क्या करेगी वहाँ पे? ड्रेस पहनोगे? हाँ। गोलगप्पे खाओगे? हाँ, नहीं आइसक्रीम खाना है। आइसक्रीम खाना? अच्छा, तो इतने सारे आइसक्रीम मिलते हैं। तो मम्मा पापा की शादी होगी। हाँ। आप वहीं पर रहोगे ना मम्मा के साथ? कुछ जरूरत पड़ेगी तो हेल्प करोगे ना? हेल्प करूंगी। अरे अब तो मेकअप हो गया, तुम्हें दुल्हन बन गई है। पापा को बुला लो। नहीं, अभी आपको वेलकम नहीं है। ये मम्मा, मैं आपको बोलती हूँ ना कि सब मेकअप वेकअप नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। नहीं ना, आप तो अभी छोटे हो ना, जब बड़े हो जाना तब करो। नहीं, मेरी मम्मी मैं आपके मम्मी को करती हूँ ना, तो आपका करने दो। मैं अपनी मम्मी को करते हो तो मैं भी अपना करने दूँ? पर ऐसे छोटे बच्चे करते हैं तो गंदे बन जाते हैं। छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं? नहीं, ऐसे मम्मी की हेल्प करते हैं। हेल्प तो करते हैं, लेकिन अभी थोड़े बड़े हो जाते हैं तब तक तो पढ़ाई करते हैं ना। नहीं करते अभी। तो आप हेल्प करना मेरी, लेकिन अभी थोड़ी सी तो पढ़ाई कर लो। ये मेकअप नहीं करते हैं? नहीं, ना मतलब अब हो गया मेरा मेकअप, आँख वाँख सब भोग भाग दिए, नहीं कर लाना। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कामेशन कितनी काली सी लग रही थी, कैसे आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। धनु, धनु के लिए एक सरप्राइज है। धनु के लिए एक सरप्राइज है। धनु इसमें आओ, बेड पे आओ। धनु के लिए एक सरप्राइज है। ये नहीं हो सकता। धनु का जो एक्सप्रेशन हम नोट करते हैं, ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, 05 पे करते हैं। ओके, फैन दिखेगा, हो गया मस्त। को रोटी खिला रही थी और ये पति देव जी पार्सल खोले हो, बस उनका यही काम है। सो गाइज, ये जो व्लॉग है ये है 16 मई का, और मैं यहाँ पे शाम का टाइम में बर्तन धो रही हूँ, और बर्तन धोने के बाद फिर खाना पीना होगा। अभी खाना पूरा नहीं बना हुआ है, बन रहा है, बाकी जो इकट्ठा हुआ था मैंने उसे धो के हटा देती हूँ।
गाइस गुड मॉर्निंग, ये 17 यस मॉर्निंग का टाइम है और मैं किचन में आई हूँ। मैं बनाऊंगी आज सब्जी आलू और परवल की, और साइड में मैंने चाय रख दी है और आटा भी आई थिंक अभी नहीं लगाया। इसके बाद आटा लगाऊंगी और फिर मैं पराठे और रोटियां बनाऊंगी लंच और ऑफिस के मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है उसके लिए। रोटी सब्जी जो है वो बन गई है और फिर मुझे बर्तन भी धोना है, तो इसके साथ ही पहले मैं लंच इनका पैक कर देती हूँ और उसके बाद बर्तन जो है वो मैं धोऊँगी। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब भी मैं किचन में काम करती हूँ ना, आपने नोट भी किया होगा, मतलब मैं किचन बहुत कम गंदा करती हूँ, साथ के साथ ना चीज़ें हटाती हूँ, जैसे कि फैलाती नहीं हूँ और गिरती भी नहीं है मुझसे चीज़ें, जैसे कि दूध गिर गया, चाय गिर गया, ये सब, ये सब्जी मसाले वगैरह, और चूल्हे जो होते हैं वो गंदे हो जाते हैं, तो ये मुझसे मेरे हाथ से नहीं होता, शायद शुरू से ही, मतलब थोड़ी सी मेरी तलब इस चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ, फिनिशिंग के साथ जो काम होता है मैं उसे करती हूँ। और यहाँ पर मैं उनका लंच पैक कर रही हूँ, अभी मैं फ़ोन उठा कर मैं दिखाऊँगी, देखना अभी मैंने साफ़ नहीं किया है, बट आपको स्लैब और जो चूल्हा ये सब कुछ बिल्कुल ऑलमोस्ट आपको साफ़ दिखेगा, ऐसा लगेगा कि साफ़ किया गया है, खाना नहीं बना है ऐसे, इस तरीके से पूरा जब ऐसे फैल जाता है ना वहाँ, तो काम ही करने का मन नहीं करता। और मेरी तो ऐसी आदत है कि अगर मैं सब्ज़ी बनाई ना, थोड़ा बहुत भी अगर इधर उधर कहीं मसाला लगाए ना, तो पहले मैं उसे साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही रोटी बनाती हूँ। किया होगा था कि दी आपका पैनल वॉल से मैच नहीं हो रहा है, बट हमें जैसा हमने देखा तो हमें ये वाला ठीक लगा, इसलिए हमने लगाया था। एंड ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। और यहाँ पे बहुत खुशी हुई मुझे आप लोगों से बताते हुए कि कुछ लोगों का ऐसा मानना था, कहना था, कुछ लोगों ने ऐसा कभी कभी मुझे कॉमेंट किया है, बोला है, मैंने इग्नोर किया है, नहीं बोला कभी इन सब चीज़ों के बारे में। आज मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं कल रात को लाइव आई हुई थी और उस लाइव में मेरे जो व्यूज़ है वो 1 लाख से ऊपर है, बहुत अच्छे खासे व्यूज़ है, बिना किसी कंट्रोवर्सी के, एक नॉर्मल, ना वैसा कोई थंबनेल ना कुछ भी, मन की बात करने के लिए मैं लाइव आई थी और मेरे साथ मेरे हस्बैंड आए थे। डैट मीन्स लोगों के मन में अगर ये चीज़ है कि कंट्रोवर्सी ही करके व्यूज आता है, तो नहीं, वो कुछ टाइम के लिए आता है, फिर जो हमारा चैनल है वो डाउन हो जाता है, हमारे जो सब्सक्राइबर डीएक्टिव हो जाते हैं। और जब पॉजिटिव चीज़ें रहती हैं, स्पेशली इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है, तो जो हमारी ऑडियंस वो ज़्यादा एक्टिव रहती है। सो इसीलिए शायद लाइव में इतने सारे लोग ऐड हुए होंगे और लोगों को ये चीज़ पसंद आ रहा हो कि हम हस्बैंड वाइफ बैठ कर उनसे बातें कर रहे हैं, अच्छे तरीके से बातें कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना पसंद किया। और मुझे ऐसा लगता है ना कि कंट्रोवर्सी जो होता है ना, वो इंसान का मेंटल पीस को ख़त्म कर देता है, हेल्थ को ख़त्म कर देता है, लॉस होने लगता है ये सारी चीज़ें। तो कंट्रोवर्सी ना हो के अगर चीज़ें अगर ऐसे हो, है ना, जैसे कि अपनी लाइफ को जियो। पता है क्या, जब पॉजिटिव वीडियो, कुछ ऐसी वीडियो हम डालते हैं जिसमें नेगेटिव कमेंट नहीं होता, तो बहुत खुशी होती है सारे कमेंट को देख के। और एक आध भी नेगेटिव कमेंट आते हैं ना, तो दिमाग में कुछ तो घुसता है यार कि क्यों आ रहा है ऐसी चीज़, मतलब थोड़ा बुरा फील होता है नेगेटिव कमेंट से। किसी को भी अपने बारे में नेगेटिव सुन के बुरा लगता है ना, ये सारी चीज़ें हो जाती है, फिर दिमाग पे असर पड़ता है। अगर हमारे पास एक ही दिमाग है, एक ही माइंड है, और वो हम चीज़ें किसी गलत चीज़ें में इन्वॉल्व करेंगे, चाहे हमारी गलती हो या ना हो,
ठीक है, गलत चीजों में अगर उसे डालेंगे तो फिर हम अपने बच्चे को कब देखेंगे जो हमारे लिए प्राइमरी है ना, उसको देखना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हस्बैंड, फैमिली, सब कुछ देखना, और भी बहुत सारी चीजें करनी होती है, तो हम सारी चीजें ये गलत वे में ले जाएंगे तो फिर इधर नहीं ले जा सकते हैं। तो एक ही दिमाग है, तो हमें देखना है कि हमें उसे कहाँ यूज करना है, अपनी फैमिली बच्चों पे करना है या इन सब फालतू चीजों पे करना है। सो कि लोगों का बोलना था, कहना था कि कंट्रोवर्सी करने के बाद ही इनके व्यूज आते हैं या कुछ भी, तो आप देख लो मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बढ़ रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, हो सकता है कंट्रोवर्सी करने सब्सक्राइबर बढ़ते हो या जो भी, पर मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोवर्सी ना करने पे एक्टिव होते हैं हमारे सब्सक्राइबर, और कंट्रोवर्सी करने पे एक टाइम के लिए वो आते हैं और फिर चले जाते हैं। ठीक है, और जो नहीं चाहता कि कंट्रोवर्सी हो तो वो मतलब कि वो एक तरीके से सही सोचता है, क्योंकि मेंटल पीस बहुत ज़्यादा जरूरी है और अपनी लाइफ में खुशहाल रहना जरूरी है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे कंटेंट है, तो इसलिए आप लोग मुझे लेके जो ये चीज़ वहम रखे थे, तो मुझे लगता है कि ये प्रूफ है एक तरीके से कि नहीं, कंट्रोवर्सी करके नहीं, मुझे मेरे चाहने वाले जो हैं बिल्कुल पॉजिटिव मुझे देखे हैं और अभी तक देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे, और इसी तरीके से मुझे अपने साथ अपने आगे लेके जाएंगे, बहुत बहुत आगे तक जाना है, वहाँ तक लेके जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे इतना साथ देते हो, इतना प्यार देते हो। मेरे जो यूट्यूब के वैसे भी व्यूज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो भी ठीक आ रहे हैं, व्यूज़ 1 लाख से ऊपर ही जा रहे हैं, 1 लाख तक आ रहे हैं, उससे ऊपर जा रहे हैं। डेट मीन्स मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर और इतने व्यूज़ आ रहे हैं तो पर्याप्त है, मतलब ठीक है, इसको नहीं कह सकते कि अभी नॉर्मल वीडियो डाल रही हूँ तो इतने अच्छे आ रहे हैं, तो पॉजिटिविटी के साथ ही आगे बढ़ना ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि देखो व्यूज़ भी आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी ठीक ठाक हैं, और मेंटल पीस भी ठीक है, और मेंटल पीस भी है, और साथ में हम अपनी फैमिली को देख रहे हैं और लोगों के अंदर पॉजिटिविटी जा रही है, लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपसे हम पॉजिटिव चीज़ें सीख रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो अच्छी चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो ये जो तारीफ होती है ना इन सब चीज़ों को लेकर, वो बहुत खुशी देती है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें।